गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं लेके आती हूँ मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जॉब वैकेंसी कंसेप्ट्स और न्यू अपडेट्स। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी आई है vpci.org में, यानी कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। वैकेंसी सर्कुलर के अंदर दिख जाएगा वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीनियर रिसर्च फेलो SRF फॉर DBT प्रोजेक्ट स्मार्ट रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूविंग कंप्लियंस अंडर प्रोफेसर अनिता कोटवानी। तो हम इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को समझेंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट 20 को आया था और 26 को फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, ये यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं लेके आती हूँ आपके लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जॉब वैकेंसी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीनियर रिसर्च फेलो फॉर DBT प्रोजेक्ट अंडर स्मार्ट रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन इम्प्रूविंग कंप्लियंस अंडर प्रोफेसर अनिता कोटवानी। और इसका इंटरव्यू होगा, उसका डेट यहाँ दिया गया है कि 26 तारीख को, 26 फरवरी 2021 को 10:30 बजे इंटरव्यू का टाइम रखा गया है। इसी एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पे ब्रीफ समरी दिया गया है, प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल दिया गया है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है उससे जुड़ा हुआ हर एक बात दिया गया है, तो आप उसको समझ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली चलती हूँ जहाँ पे वैकेंसी के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, बेसिक साइंस, होम साइंस, सोशल साइंस, और यहाँ पे दिया गया है आपको सोशल वर्क। साथ ही मास कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल प्रोफेशन कोर्सेज इंक्लूडिंग डेंटल, सेलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको अगर आप किसी भी इन सब सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सोशल वर्क से पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि MSW कर रखा है, साथ ही आप अगर नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम पास कर रखे हैं जैसे कि CSIR, UGC, NET, या फिर लेक्चरशिप के लिए, या फिर गेट, या और भी अदर एग्जामिनेशन लाइक ICMR, DST और DBT, इस तरह के कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए, वैसे उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ से, एकेडमिक में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी भी R&D डिपार्टमेंट में, या फिर रिसर्च एक्टिविटी में, इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में कम से कम 2 वर्षों का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। साथ ही कुछ अलग डिज़ायर्ड प्रोफाइल दिए गए हैं कि आप उसमें अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको एक प्रिफ्रेंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ कंप्यूटर बेस्ड है, कुछ एकेडमिक बेस्ड है, तो आप चेक कर सकते हैं। SRF अमाउंट की बात करें तो वो होगा टोटल 35,000, साथ ही आपको HRA भी मिलेगा। शुरू में यह अपॉइंटमेंट फॉर 6 मंथ्स, देन आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज़ द अर्लियर, मतलब कि ये मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। Now I will talk about the location of the posting that will be the New Delhi, and the candidate should be prepared to travel to Haryana, Telangana for short period for project work. तो मेन पोजिशन आपका न्यू दिल्ली है, और हरियाणा और आपको तेलंगाना आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके इंटरव्यू में सीधे पहुंच जाना है 26 तारीख को 10:30 बजे, वो डॉक्यूमेंट है कि आपका एक बायोडाटा होना चाहिए, साथ में फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, आपके सारे भी एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रियां हैं उनकी, साथ ही आपके पास एक ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर वेरिफिकेशन के लिए, और साथ ही आपको कुछ, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर या कोई भी आपका रिटन टाइप का कोई आर्टिकल है तो उसका भी आपको फोटोकॉपीज लेके जाना है। गाइज, आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी VP चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में होगा, 10 बजे है और 26 तारीख को है। तो ये 3 चीज़ आप याद रखें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ जाएं, और ये अच्छा मौका है। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, वेरी वेरी थैंक्स।